जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 3 एंड हुज टचेस द सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 इंटरनली एट द पॉइंट -1, 1। ठीक है, तो एक सर्कल का इक्वेशन हमें निकालना है जिसका कि रेडियस 3 है। ये एक सर्कल है, इसका रेडियस 3 है, ये रेडियस 3 है। ठीक है, सपोज इस सर्कल का सेंटर को मैं सिवान ले लेता हूं, ये पॉइंट को, सेंटर का पॉइंट को। ठीक है, ये सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, मतलब वो दूसरा सर्कल बड़ा सर्कल है, इसको इंटरनली टच कर रहा है किस पॉइंट से, 1, -1, -1 पॉइंट से। ठीक है, तो हमें बताना है इस सर्कल का इक्वेशन क्या है। अगर इस सर्कल का इक्वेशन है हमारा x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू अगर 0 होता है तो। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो सर्कल है इसका ऑब्वियसली अगर ये बड़ा सर्कल है तभी कि तो इस सर्कल इंटरनली इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, मतलब यहां पे कहीं पे होगा, मतलब यहां पे ले लेता हूं, ये C2 ले लेता हूं, तो इस सर्कल का जो सेंटर कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 2, और इसको वाई का कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 हो जाएगा, ये पॉइंट है। अच्छा, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा g² प्लस f² माइनस c, ये तो माइनस g है जो भी है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस 12 का रूट आ जाएगा, तो 13 प्लस 12 का मतलब 25 का रूट, तो ये 5 आ जाएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 होगा। ठीक है, मतलब कि जो C1 पॉइंट है वो, इसको मैं A ले लेता हूं, C1 पॉइंट जो है C2 A को 2:3 रेशियो से डिवाइड करेगा, तो C1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C1 आ जाएगा 2 × -1 प्लस 3 × 2 अपन 2 + 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 × -1 प्लस 3 × 2 अपन 2 + 3, और वाई कोऑर्डिनेट होगा 2 × -1 प्लस 3 × 3, 2 × -1 प्लस 3 × 3 अपन 2 + 3, तो ये आ जाएगा हमारा -2 + 6 / 5 - 2 + 9 / 5, मतलब कि 4/5 और 7/5, तो ये आ गया हमारा इस पॉइंट का, मतलब इस छोटा सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, छोटा सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब हमें छोटा सर्कल का इक्वेशन पूछा है, तो छोटा सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, मतलब रिक्वायर्ड सर्कल यहां की वो होगा x - 4/5 का स्क्वायर प्लस y - 7/5 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू इसका रेडियस का स्क्वायर, रेडियस दिया है 3, तो ये होगा x² प्लस 16/25 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब 8x/5 प्लस y² प्लस 49/25 माइनस 14y/5, इट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये होगा x² प्लस y² माइनस 8/5x प्लस, सॉरी ये तो ठीक है, प्लस ये प्लस तो नहीं है, माइनस है, माइनस 14y/5 माइनस ये, उसे इन दोनों को अगर प्लस करते हैं 49 + 16 65/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 65/25 -9 = 0।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 बाय 5 एक्स माइनस 14 वाई बाय 5 प्लस यहाँ पे 25 एलसीएम ले लेते हैं 65 25 9 जब 225 होता है इक्वल टू 0। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 एक्स बाय 5 माइनस 14 वाई बाय 5 225 माइनस 65 12 माइनस 6 2 4 6 160 अपॉन 25 माइनस 160 अपॉन 25 इक्वल टू 0। इसको 5 से काट सकते हैं, 5 5 जा 5 3 जा 15 5 2 जा तो ये आ जाएगा हमारा इस छोटे सर्कल का इक्वेशन।